हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को जेके एसएसपी जेई सिविल एग्ज़ाम के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम जियोटेक सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। यहाँ पर हम मोर देन 300 MCQs करेंगे, ठीक है। हम टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे, बट टोटल जो MCQs बनेंगे 300 प्लस बनेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट पे फुल सिलेबस सिंगल लेक्चर वीडियो बनाई हुई है। आपको लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। देखो, अब टाइम बहुत कम है, आप होल सिलेबस से नहीं जा सकते, बट माई वीडियोज़ में आप एक सिंगल लेक्चर में पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आज की वीडियो में हम फुल वीडियो में जो फुल लेक्चर है यहाँ पे फुल सिलेबस कर देंगे सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। देखो, इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई दी ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको कहते हैं कलोवियल सॉइल, जैसे कि एग्जाम्पल टालूस। अब देखिए यहाँ पर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल दो तरीके की होती है, एक ट्रांसपोर्टेड और एक रेजिडुअल। देखो, सॉइल जब बनती है तो डिसइंटीग्रेट होकर बनती है। तो अगर डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से दूसरी जगह पे प्लेस हो तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अगर जहाँ पे सॉइल डिसइंटीग्रेट हुई और वहीं पे उसके सेडिमेंट्स रहते हैं और वो सॉइल बनती है, वो होती है रेजिडुअल सॉइल। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल की। देखो, जिस एजेंसी से सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया जाए वही नाम दिया जाता है। जैसे पानी से ट्रांसपोर्ट हो तो वाटर ट्रांसपोर्टेड, विंड से हो तो विंड ट्रांसपोर्टेड, ग्लेशियर से हो तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड, और ग्रेविटी से हो तो ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल दो हैं, जैसे लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, ये लेक के बॉटम में पाई जाती है, और दूसरी मैराइन सॉइल, ये हमारी जो है हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। दूसरी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम एओलियन सॉइल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछे जाते हैं। तो एओलियन सॉइल दो तरह की होती है, लॉइस और सैंड। लॉइस होती है सॉफ्ट सिल्ट डिपॉजिट और सैंड ड्यून्स, आगे रेत के रेगिस्तान। उसके बाद देखिए ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स कहते हैं। ग्रेविटी डिपॉजिट को कलुवियल सॉइल कहते हैं, जैसे टैलुस, हमने अभी इसके बारे में बात की ऊपर। अब इसी क्वेश्चन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मेजर डिपॉजिट सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत में जो सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैराइन डिपॉजिट की। मैराइन डिपॉजिट जो है ना, अगर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखें तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। तो हमने बात की थी लैक्यूस्ट्राइन और मैराइन डिपॉजिट वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। दूसरी आ गई ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल एक रेजिडुअल सॉइल की टाइप है, हमने अभी ऊपर बात की थी। सॉइल दो तरह की होती है, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। तो ब्लैक कॉटन सॉइल रेजिडुअल सॉइल है। तो किसके रेजिडुअल से बनती है? बसल्ट और ट्रैप रॉक के डिकम्पोज होने पर रेजिडुअल सॉइल बनती है, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। इसके अलावा लिट्रिटिक सॉइल है, ये भी रेजिडुअल सॉइल की एग्जाम्पल है। तो ये बेसल्ट रॉक के डिसइंटीग्रेट होने पे बनती है। तो इसमें आयरन की वजह से इसका जो कलर है वो रेड होता है। इसके अलावा देखिए एलुवियल सॉइल, ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो इस सॉइल में सैंड बॉयल जो लिक्विफिकेशन होती है, जिसे सिंपली हम दलदल कहते हैं, तो वो एलुवियल सॉइल में ज़्यादा पाई जाती है। लास्ट है डेजर्ट सॉइल, ये राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग एरिया में पाई जाती है। तो भारत में ये पाँच तरह की जो मेजर सॉइल्स है ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ़ दी वॉइड रेशियो 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? देखो, यहाँ पे इस रिलेशन को याद रखिए, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप एक क्रिकेटर का नाम यूज कर सकते हो, सहवाग। देखो, SE इज इक्वल टू WG, इस रिलेशन को आप याद रख सकते हो, सहवाग। एस क्या आ गया? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई आ गया वाइड रेशियो, डब्ल्यू आ गया वाटर कंटेंट, जी आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें दी हुई है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा था। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू जी अपॉन ई। डब्ल्यू वाटर कंटेंट दिया हुआ था 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 और वाइड रेशियो 0.67। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन 75% आती है। तो यहाँ पे देखिए ई क्या था, वाइड रेशियो, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं बताता हूँ ये होते क्या और इनके यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि इन पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए वाइड रेशियो क्या होता है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स
टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक ही चीज़ का रेशियो होता है। तो याद रखिएगा वाइड रेशियो जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो देखो कई बार पूछते हैं कि पोरोसिटी क्या एक से ज़्यादा हो सकती है, तो इट कैन बी ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो सॉलिड्स के वॉल्यूम से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक से ज़्यादा आती है, यानी जो वाइड रेशियो है ये एक से ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद दूसरे देख लिए पोरोसिटी। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, बट इक्वेशंस में डेसिमल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब पोरोसिटी की बात करें तो ये एक से ज़्यादा नहीं होता, इट इज़ नेवर ग्रेटर देन वन, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। इट कैन बी इक्वल टू वन बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर वाटर कंटेंट क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। मतलब देखो हमारे सॉलिड ग्रेन्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उनमें या तो एयर होती है या तो वाटर होता है। तो वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल का क्या होता है, उसमें वेट ऑफ वाटर कितना और सॉलिड्स का वेट कितना है। तो ये 100% से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी जो सॉइल है, सॉइल के जो वॉइड्स होते हैं इनमें जो ये पानी है, ये जो पानी का वेट है इन सॉलिड्स के वेट से ज़्यादा हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन वन, मतलब 100% से ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी जो सॉइल में वॉइड्स है ना उनमें से कितने वॉइड्स में पानी है। मान लो वॉइड जितने हैं तो उनकी परसेंटेज 100 रख दो, तो उनमें से अगर 30% वॉइड्स में हम कहते हैं पानी है तो 30% को डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। तो यही होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो 0 से 100% तक रेंज करती है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के, याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब जो भी सॉइल के सॉलिड्स हैं उनका यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट वाटर, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और एक और होता है अपेरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको GM से डिनोट करते हैं। देखिए बहुत कन्फ्यूजिंग है स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बताया क्या होता है, यूनिट वेट सॉलिड को और यूनिट वेट वाटर का, बट अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है बल्क यूनिट वेट सॉइल का और यूनिट वेट वाटर का। मतलब डिनोमिनेटर में वही चीज़ है बट स्पेसिफिक ग्रेविटी में ऊपर लगता है यूनिट वेट सॉलिड्स का खाली, बट अपेरेंट में लगता है यूनिट वेट पूरी सॉइल का, जिसमें वॉल्यूम्स को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाई जी, अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, वॉइड रेशियो ई है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आई है वो किसे रिप्रेजेंट होगा, तो इस रिलेशन को याद रखिए। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की -1/1+ E, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1/1+E, G1/1+E याद रख सकते हैं। तो कई बार पूछता है कि ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के या वॉइड रेशियो को, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख। अब सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिनमें एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, वाइड रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है porosity/1-porosity, और पोरोसिटी होता है wide ratio/1+wide ratio। दूसरा यूनिट सहवाग मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। तीसरा जो ड्राई यूनिट वेट है ये होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन 1+ water content। चौथा जो यूनिट वेट होता है ये होता है G γW 1+W/1+E। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये भी बनता है गामा इज इक्वल टू γW×G+SC/1+E। तो यहाँ पे S डिग्री ऑफ सेचुरेशन, E वाइड रेशियो, और कौन सा जो टर्म है वो क्या होती है मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे एक सैंपल है सैचुरेटेड क्ले जिसमें पोरोसिटी दी हुई 0.562, तो वाइड रेशियो क्या होगा। अब देखो पोरोसिटी दिए हैं तो वाइड रेशियो क्या होगा, तो हमने पढ़ा पीछे कि वाइड रेशियो होता है porosity/1-porosity। तो यहाँ पे porosity/1-porosity, तो porosity 0.562/1-562, तो 1.283 जो है वाइड रेशियो आया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे कि वाइड रेशियो ए कैन बी ग्रेटर देन वन, बट जो porosity होती है इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड इज, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट है ये हमेशा 6 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है क्या? ये एक ऐसा कोफिशियंट है जो डिस्क्राइब करता है यूनिफॉर्मिटी सॉइल की। तो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का ये रिलेशन है, ये याद रख लीजिए। कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60/D10। अभी D60 क्या है? D60 होता है सॉइल का वो पार्टिकल साइज जिससे 60% सॉइल जो है उससे फाइनर हो, और D10 पार्टिकल साइज सच डेट 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो सॉइल के अलग अलग साइज है, यानी 1 mm की है, उसके बाद 400 माइक्रोन की है, उसके बाद 200 माइक्रोन की है। मान लो 200 माइक्रोन वो साइज़ है जिससे सिर्फ 10% सॉइल ही से छोटी है, मतलब 100 ग्राम सॉइल ली थी, सिर्फ 10 ग्राम सॉइल ही 200 ग्राम से नीचे जाती है, तो 200 माइक्रोन जो है इसको हम D10 कह सकते हैं, और D10 जो है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल भी होता है। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए इसकी वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा आनी चाहिए, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए इसकी वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर CC इट इज इक्वल टू D30^2/D16/D10, और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए, याद रखिएगा। देखो गाइज, अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए, सिर्फ SSC सिर्फ JK SSB के लिए नहीं, SSC JEE के लिए भी ये जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी तक कहीं ना कहीं पीछे SSC के एग्ज़ाम में, किसी भी JEE के एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में पूछे गए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एन इनऑर्गेनिक सील्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। देखो, सील्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है M के साथ, और हाई कंप्रेसिबिलिटी को H के साथ, तो इनऑर्गेनिक सील्ट हाई कंप्रेसिबिलिटी MH से रिप्रेजेंट होगी। अब इस टेबल को देखिएगा ध्यान से, इसकी वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और एक्स एक्सिस पे हमारा लिक्विड लिमिट है। यहाँ पे देखिए एक लाइन होती है जिसको हम ए लाइन कहते हैं, इस ए लाइन से ऊपर जितनी भी सॉइल होती है वो होती है हमारी क्ले, और इस ए लाइन से नीचे जितनी भी सॉइल होती है वो होती है हमारी सिल्ट, ठीक है, याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक 35% लिक्विड लिमिट पे लाइन है, और एक 50% लिक्विड लिमिट पे लाइन है। अब देखो 35% पे जो लाइन है इससे इस तरफ की जो सॉइल है, क्ले है, ए लाइन से ऊपर ये होती है लो कंप्रेसिबिलिटी की CL, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, और इसे नीचे होती है सील्ट, इनऑर्गेनिक सील्ट लो कंप्रेसिबिलिटी की। वैसे 35% और 50% के बीच में मीडियम कंप्रेसिबिलिटी के, 50% से ऊपर हाई कंप्रेसिबिलिटी के, और सील्ट भी 35 से 50 में मीडियम कंप्रेसिबिलिटी की, और 50 से ऊपर हाई कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल होती है। तो इन सिंबल्स पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, देखो लो कंप्रेसिबिलिटी सॉइल जिसमें जो वाटर कंटेंट था लिक्विड लिमिट 35% से कम थे यहाँ पे इसे नीचे, और मीडियम या इंटरमीडिएट 35 से 50 तक थी, और हाई में 50% से ज़्यादा लिक्विड लिमिट थी। देखो CL क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ML इनऑर्गेनिक सील्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, OL लो प्लास्टिक क्ले ऑफ लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले, तो वैसे CI आ गया हमारी C आ गया क्या क्ले, और आई आ गया मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी का, और MI आ गया इनऑर्गेनिक सील्ट मीडियम कंप्रेसिबिलिटी का, OI आ गया ऑर्गेनिक क्ले मीडियम कंप्रेसिबिलिटी का, तो वैसे ही हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी यूनिट्स है, आप देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके बाद पानी कम भी हो जाएगा तो सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वाटर कंटेंट है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। अब देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे जिसको कहते हैं हम श्रिंकेज लिमिट, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, पानी भले भी घट जाए वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, तो उसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर ए ग्रैनुलर सॉइल विद इंक्रीजिंग वाइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट। अब देखो ये रिलेशन पूछ रहा है, तो बोलते हैं किसी ग्रैनुलर सॉइल में जो वाइड रेशियो अगर बढ़ता है, इसकी वैल्यू बढ़ती है कि, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। अब देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब मान लो लिक्विड लिमिट 10 है और प्लास्टिक लिमिट 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5,
तो जब भी माइनस में ये वैल्यू आती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो इसको माइनस में कभी नहीं लेते, इसको रिपोर्ट कर दिया जाता है ज़ीरो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। और अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स से सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है और डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बताई जाती है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी सॉइल की ज़ीरो है तो मतलब वो सैंड है और नॉन प्लास्टिक बताया जाएगा। 0 से 7 है तो सिल्ट है, लो प्लास्टिक। 7 से 17 सिल्टी क्ले और मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ऊपर हो तो मतलब वो क्ले है, हाई प्लास्टिक सॉइल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो क्या होता है, इसको कहते हैं टफनेस इंडेक्स। तो इसे याद रख लीजिएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो जो है टफनेस इंडेक्स होता है। अब फ्लो इंडेक्स क्या होता है, ये होता है स्लोप फ्लो कर्व का। अब फ्लो कर्व क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉज है सेमी लॉग स्केल पे, और यहाँ पे नेचुरल स्केल पे हमारे वाटर कंटेंट है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप होता है, ठीक है, इस स्लोप को कहते हैं हम फ्लो इंडेक्स। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है W1 - W2, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस क्या हो जाएगा N2 / N1 लॉग। तो याद रखिएगा ये होता है फ्लो इंडेक्स, ये होता है फ्लो कर्व का स्लोप। अब ध्यान दीजिए लिक्विडिटी इंडेक्स इसके बराबर होता है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स में देखो लिक्विड आता है, ये होता है नेचुरल वाटर कंटेंट सॉइल का माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो WN क्या नेचुरल वाटर कंटेंट, WP प्लास्टिस लिमिट, और IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, जितने भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आएंगे एग्जाम में फिर आप वीडियो में आके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा। तो लिक्विड लिमिट होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी सॉइल के अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। और कंसिस्टेंसी लिमिट होता है, ठीक है, सी। तो इसमें लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देखो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे लिक्विड लगा था तो लिक्विड लिमिट का जिक्र नहीं होगा, और कंसिस्टेंसी लगा तो इसमें लिक्विड लिमिट का जिक्र होगा। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को याद रखने के लिए। यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कम्पैक्टेड डेंस सैंड इज, अब कम्पैक्टेड डेंस सैंड की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब देखो सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी होता है क्या, ये होता है वाई रेशियो इन लूज स्टेट माइनस वाई रेशियो इन नेचुरल स्टेट डिवाइड बाई वाई रेशियो लूज स्टेट माइनस वाई रेशियो इन द डेंस स्टेट। अब लूज स्टेट में वाई रेशियो क्या होगा, जब जो सॉलिड ग्रेन्स हैं उनके बीच में वाइड मैक्सिमम हो। नेचुरल स्टेट में जैसे नेचुरली हैं तो मिनिमम स्टेट में आप उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करोगे, उसके बाद जो वाई रेशियो बचेगा। अब देखो डिग्री ऑफ डेंसिटी से सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से 15 हो तो वेरी लूज, 15 से 35 हो तो लूज, 35 से 65 हो तो मीडियम, 65 से 85 डेंस, और 85 से ऊपर हो तो वेरी डेंस। तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की पूछ रहा था, तो 65 से 85 इसका आंसर होता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर वाई रेशियो लूज स्टेट में, ठीक है, बराबर होते हैं वाई रेशियो नेचुरल स्टेट में जो है, अगर वाई रेशियो जो है वो लूज स्टेट में वाई रेशियो नेचुरल स्टेट में बराबर होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो वहीं अगर जो वाई रेशियो डेंस स्टेट में है वो वाई रेशियो लूज स्टेट के बराबर होते हैं तो ये जो होगा ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। इसके अलावा ये भी याद रखिए रिलेटिव डेंसिटी को हम डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल देखिए, और यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन और उसका कंट्रीब्यूशन। देखो स्टोक भाई साहब थे, इन्होंने वेलोसिटी सेटलिंग पार्टिकल की बताई थी पार्टिकल साइज एनालिसिस में, ठीक है, और इन्होंने वेलोसिटी सेटलिंग पार्टिकल की। डार्सी भाई साहब ने बताया था फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास। पॉइजुले भाई साहब ने फ्लो थ्रू कैपिलरी, और अटरबर्ग जी ने जो कंसिस्टेंसी लिमिट थी सॉइल क्लासिफिकेशन में वो बताई थी, कंसिस्टेंसी लिमिट और सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है स्टिफ क्ले का वो कितना होता है 15 से 30। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं सॉइल में, ये बहुत टेबल हैं, थोड़े लेंथी भी हैं। देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा। अब देखो कंसिस्टेंसी अगर वेरी सॉफ्ट कहलाएगी कब, अगर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस आपका 0 से 2 आता है, और उस वक्त अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 2.5 से कम होती है। अगर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस 2 से 4 आता है तो वो सॉफ्ट होती है, 25 से 30 उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
चार से आठ में मीडियम और 50 से स्ट्रॉ स्ट्रेंथ, 8 से 15 स्टिफ, 100 से 200 स्ट्रेंथ, और ऐसे ही ये टेबल है। तो आप हो सके तो इस टेबल को याद रख लीजिए क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जो सैंड पार्टिकल्स है वो किसके बने होते हैं। तो ज़्यादातर जो सैंड है वो कंपोज होती है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार मिनरल की। तो याद रखिएगा सैंड में कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है अगर फाइननेस मॉडुलस सैंड की 2.5 है तो उस सैंड को आप किस ग्रेड में डालोगे। देखो फाइननेस मॉडुलस के हिसाब से सैंड चार तरह की होती है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, यहाँ पे देखिए एक वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स। अगर फाइननेस मॉडुलस 2 से कम है तो वो वेरी फाइन सॉइल कहलाएगी, सैंड कहलाएगी। अगर 2.2 से 2.6 है तो फाइन सैंड, और अगर 2.6 से 2.9 है तो मीडियम, अगर 2.9 से 3.2 है तो कोर्स सैंड। 2.2 है यानी ये फाइन सैंड कहलाएगी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। अब ग्रेवल और सैंड किस कैटेगरी में आते हैं, देखो यहाँ पे आपको बता दो, एलुवियल सॉइल में हमारे फाइन और लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे दरिया किनारे बोल्डर्स भी होते हैं और दरिया से कई बार एलुवियल सॉइल जो है वो फाइन भी जमा होती है। एक्सपेंसिव सॉइल में क्ली मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे सिमेटिक बेंटोनाइट सॉल्यूशन। कोहिजिव सॉइल में सिर्फ क्ले सिल्ट, सैंडी क्ले, सिल्ट क्ले, क्ले हो सकते हैं, मतलब ग्रेवल नहीं हो सकते। मैराइन डिपॉजिट में सिर्फ क्ले होती है। इसका बेस्ट आंसर क्या होता है कि ग्रेवल और सैंड किस सॉइल में पाए जा सकते हैं, वो एलुवियल सॉइल में, ना तो एक्सपेंसिव में, ना तो कोहिजिव में, और ना ही मैराइन सॉइल में। अब देखिए क्ले जो है वो क्या है, एक्वाक्लूड होता है, ठीक है, एग्जाम्पल एक्वाक्लूड की। अब ये चार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। पहला एक्वेफर, जिसमें पोरोसिटी और परमिबिलिटी दोनों ही हाई हो जैसे सैंड। अब देखो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है सॉइल के अंदर वाइड्स का होना, और परमिबिलिटी क्या होता है, इंटरकनेक्टेड वाइड, जैसे अगर पानी आ रहा है वो कितना बाहर निकल रहा है, ये परमिबिलिटी होता है। पोरोसिटी ज़्यादा हो सकती है, परमिबिलिटी और पोरोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो एक्वेफर ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें पोरोसिटी और परमिबिलिटी दोनों हाई होती है, फॉर एग्जांपल सैंड, याद रखिएगा। उसके बाद एक्वाटर्ड की बात करते हैं, इसमें परमिबिलिटी लो होती है, मतलब पानी को ट्रैवल होने नहीं देती, बट वाइड काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे सैंड और क्ले। एक्वाक्लूड की बात करें, परमिबिलिटी होती ही नहीं है, जैसे मिट्टी में परमिबिलिटी नहीं होती क्ले में, बट पोरोसिटी होती है, वाइड होते हैं जैसे क्ले। और एक्वाफ्यूज की बात करें, ना तो परमिबिलिटी ना तो पोरोसिटी, फॉर एग्जांपल रॉक, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादातर सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड सब्सटेंस की, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए 2.6 to 2.8 होती है। अब यहाँ पे देखिए लेटरिटिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75 to 3, सैंड जिसमें क्वार्ट्ज पाया जाए 2.65 to 2.67, इनऑर्गेनिक क्ले 2.7 to 2.8, बट ऑर्गेनिक सॉइल की 1.5 से 2 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये होती है 1.5 से 2 तक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सैंड इज। अब देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन होता है किस किस का, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी सॉइल की और जो अफेक्टिव ग्रेन साइज होता है यानी D10, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अफेक्टिव साइज ग्रेन का दिया 0.05 सेंटीमीटर, और एलन होजन फार्मूला के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक जो कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी है सॉइल की, ये होती है C × D10 का स्क्वायर, और आंसर आता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और D10 भी सेंटीमीटर में लाना है, और C की वैल्यू 100 ली गई है, तो K क्या हो जाएगा, 100 × 0.5 का स्क्वायर, तो 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ गिवन ऑफ मोस्ट सॉइल। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, जो जितना छोटा पार्टिकल हो उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे कोलाइड्स का, फिर क्ले का, फिर सिल्ट का, फिर सैंड का, फिर ग्रेवल का, फिर कोबल्स का, फिर बोल्डर्स का। तो अब देखिए जो बोल्डर होते हैं इनका साइज 300 mm से ज़्यादा होता है, कोबल का साइज 300 mm से 80 mm होता है, ग्रेवल आपको पता है 80 mm से पास होते हैं, 4.75 mm पे रिटर्न करते हैं, सैंड 4.75 mm से 75 माइक्रोन, सिल्ट आगे 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल जो है वो क्ले कहलाता है। क्वेश्चन नंबर
थ्री देखिए, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन सॉइल की 67.87% है तो उसमें वाइड्स कितने होंगे। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखो, मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने बताया था कि वॉल्यूम वाटर का कितना और टोटल वॉल्यूम वाइड्स के कितने। अब ये बता रहा है कि वॉल्यूम वाटर का 67.87% है, तो 100% टोटल थे, इसमें 67.87 में पानी है तो बचे हुए में 100 - 67.87 32.13 में क्या होगा, हवा होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ़ द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हाइड लॉस ऑफ 6 मीटर ऑक्वर ड्यू टू सीपेज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, सीपेज हाइड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। तो सीपेज हाइड लॉस 6 मीटर का हो रहा है, 50 मीटर लेंथ पे 0.12 मीटर हाइड लॉस हुआ। तो रिलेटिव कंपैक्शन क्या होता है, ये होता है डेंसिटी जो अचीव होती है फील्ड में और डेंसिटी जो अचीव होती है लैब में इंटू 100। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए गाइस, लिक्विड लिमिट सॉइल की कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो कैसा ग्रैंडे अपरेटस से और कौन पेनिट्रेशन मेथड, ये दो मेथड है जिससे लिक्विड लिमिट सॉइल की डिटरमाइन की जा सकती है। इसके बाद पिकनोमीटर से वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ़ डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड इन ए सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ सैंड व्हेन फुली इंडेंटेड विद वाटर इज 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, अगर इसमें मान लो रेत है, अभी रेत कितनी है यहाँ पे कह रहा है 15 सेंटीमीटर, अब इसमें पूरा पानी डाल दिया अच्छे से मिक्स कर दिया तो ये घट के 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये फ़र्क कितना आया यहाँ पे, तो जो ये फ़र्क आया ये आया 3 सेंटीमीटर का। तो बल्किंग मॉइस्ट सैंड की क्या होती है, एक्स्ट्रा डेप्थ डिवाइडेड बाई एक्चुअल डेप्थ, एक्स्ट्रा डेप्थ 3 सेंटीमीटर आया, एक्चुअल डेप्थ यही है नीचे 12 सेंटीमीटर, 0.25 ये बल्किंग फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन सिलिका गिप्साइट शीट इन कैविलिनाइट क्ले मिनरल। तो कैविलिनाइट क्ले मिनरल में जो सिलिका गिप्साइट शीट है उसके जुड़े होने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा कैविलिनाइट जो होता है ये कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चर जो बेस करता है सिंगल शीट ऑफ सिलिका जो कंबाइन होता है सिंगल शीट ऑफ गिप्साइट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कह रहा है अगर वाइड इशू ई है और डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है 0.5 और 6×10⁻⁷ मीटर/सेकंड है तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी होता क्या, देखो वेलोसिटी सिंपली क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब अगर हम जो एरिया है वो टोटल ले लें, इसमें सॉलिड्स को भी कंसिडर करें और वाइड्स को भी कंसिडर करें, तो इस वक्त जो हमें वेलोसिटी मिलती है उसको कहते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। बट अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते वक्त एक्चुअल या इसको हम सीपेज वेलोसिटी भी कहते हैं, डिस्चार्ज पूरा लें बट एरिया सिर्फ वॉइड्स का लें क्योंकि वॉइड से ही पानी को जाना है, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं सीपेज एक्चुअल वेलोसिटी। अब इन दोनों का रिलेशन होता है, जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो होती है एक्चुअल वेलोसिटी सॉरी डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। तो आप पोरोसिटी हम निकाल सकते थे क्योंकि वाइड इशू दिया हुआ था 0.5, तो पोरोसिटी हो जाएगा वाइड इशू अपॉन 1+वाइड इशू 0.33। तो सीपेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन 0.33, तो 18×10⁻⁷ मीटर/सेकंड आ जाएगी वैल्यू इसकी जो सीपेज वेलोसिटी की है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द ग्रैंड साइज ऑफ मीडियम ग्रैंड सैंड लाइज बिटवीन। अब देखो जैसे हमने पीछे बात की थी कि जो फाइनेस्ट मॉडल्स है उसके हिसाब से सैंड को डिफाइन किया जाता है कि वो वेरी फाइन है मीडियम है या कोर्स है, तो वैसे ही जो ग्रैंड साइज है उसे भी डिसाइड किया जाता है। देखो फाइन सैंड कौन सी, मीडियम कौन सी, कोर्स कौन सी। अगर सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं, 4.75 mm से जाती है, 2 mm पे रिटर्न करती है कोर्स सैंड, 2 mm से 42-425 माइक्रोन तक जो होती है मीडियम और 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक जो होती है वो होती है फाइन सैंड। आपको बता दूं कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं याद रखिएगा। तो वैसे ग्रेवल्स के लिए देखो कोर्स ग्रेवल होता है जो 80 mm से पास हो 20 mm पे रिटर्न करे और फाइन ग्रेवल 20 mm से जाए और 4.75 mm पे रिटर्न करे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, ओवन ड्राई मेथड। तो इसमें हमारे पास ओवन होता है जिसके अंदर सॉइल सैंपल को डाला जाता है, तो यहाँ पे पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए। इसके अलावा देखिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, ये क्विकेस्ट मेथड है वाटर डिटरमिनेशन के लिए सॉइल की फील्ड में, 5 से 7 मिनट में रिजल्ट देते हैं। तो कई बार पूछते हैं क्विकेस्ट मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो ये होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ग्लेशियर डिपॉजिट इज कॉल्ड, तो हमने पीछे पढ़ा था ग्लेशियर डिपॉजिट को टिल सॉइल कहते हैं, तो हमने पढ़ा था ग्रेविटी डिपॉजिट को कलूवियल या टैलोस कहते हैं, तो ग्लेशियर डिपॉजिट को टिल कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे एसएससी जे में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल्स क्या रहा है, तो कंसोलिडेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है अगर परमिबिलिटी बढ़ जाए, मतलब परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज़ी से पानी निकलेगा और उतने ही जल्दी कंसोलिडेशन होगी, तो कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीज हुआ। इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी सॉइल की ज़्यादा हो तो इस टाइम को भी ज़्यादा लगता है, और इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस चेंज पे, इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम फैक्टर है, ये यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, तो एक टाइम फैक्टर है, ये किसके बराबर होता है टाइम फैक्टर, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इनटू टी अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे टी जो है ये क्या होता है, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो टी यहाँ से क्या हो जाएगा, टी वी डी स्क्वायर अपॉन सी वी, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे के जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है, एम वी जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है ये किस बराबर होता है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी टू ये कंप्रेसिबिलिटी टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता हूँ, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है। स्प्रिंग एनालॉगी डिफॉर्मेशन से हम ये बताते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंक्रीज होती है सॉइल मास का वॉल्यूम डिक्रीज होने पे, मतलब सॉइल मास का वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो इसके अंदर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंक्रीज होने लगती है। तो इसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन वाइड रेशियो में, तो स्लोप क्या होता है, इसी कर्व के स्लोप को कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस और ये वाइड रेशियो है, तो जैसे जैसे वाइड रेशियो जो है वो घटता जा रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाइड रेशियो को नेचुरल स्केल पे, इफेक्टिव स्ट्रेस को किस स्केल पे, लॉग स्केल पे यूज़ करें। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, इस स्लोप को कहते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। तो मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई वन अपॉन लॉग टन सिग्मा वन डिवाइड बाई सिग्मा नॉट। अब देखो ये जो कंप्रेशन इंडेक्स है ना, ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है सेटलमेंट सॉइल के निकालने के लिए, कई बार इसके यूज़फुलनेस को लेके एमसीक्यू आता है। इसके अलावा ये मेजर कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी उतनी कंप्रेसिबल सॉइल होगी। इसके बाद लिक्विड लिमिट को भी डिटरमाइन करता है, देखिए कैसे, अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब सॉइल के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए कंप्रेशन इंडेक्स होता है 0.07, लिक्विड लिमिट -10, और डिस्टर्ब के लिए 0.007, लिक्विड लिमिट -10। अब देखो यहाँ पे टेबल है, टेबल के हिसाब से सॉइल और कंप्रेशन इंडेक्स, अगर कंप्रेशन इंडेक्स 4.5 से 10 तक है तो उसको पीट सॉइल कहेंगे, मतलब जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, 1 से 0.5 है तो प्लास्टिक सॉइल, 0.15 से 0.6 है तो स्टिफ क्ले, और 0.06 से 0.03 है तो मीडियम, 0.05 से 0.025 है तो लूज सॉइल, और 0.01 से 0.005 है तो डेंस सैंड। यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू कंप्रेशन इंडेक्स की होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, ये एमसीक्यू आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऊपर यूज़ हो रहा था, तो ये होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है इन्वर्स होता है बल्क मॉडुलस का, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है इंक्रीज होते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, मतलब जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन फास्ट होने लगती है सॉइल में, कंसोलिडेशन फास्ट होगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है पानी की विस्कोसिटी घटती है तो वो जल्दी डिसिपेट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है सेटलमेंट कितनी हुई, फाइनल सेटलमेंट कितनी हो सकती है, मल्टीप्लाई 100 ये इनिशियल वाइड रेशियो माइनस अभी वाइड रेशियो क्या है, डिवाइड बाय इनिशियल कितना था इनटू 100। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट के लेबॉरेटरी में जो स्पेसिमन का थिकनेस है कंसोलिडेशन टेस्ट में वो क्या होता है, तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 23, 20, 15, 19, 86 इसके मुताबिक जो थिकनेस होती है स्पेसिमन की वो 20 mm होनी चाहिए और उसका डाया 60 mm होना चाहिए। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सॉइल में किसका रेशियो होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है ना इसी को ही हम कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं, तो ये होता है रेशियो स्ट्रेन टू स्ट्रेस, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, व्हाट इज़ द टाइम फैक्टर फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, तो टाइम फैक्टर क्या होगा अगर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। देखो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% से ज़्यादा है तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है
टाइम फैक्टर इज इक्वल टू 1.781 0.933 लॉग 10 100 माइनस यू, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितनी। तो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% या उससे कम है तो टाइम फैक्टर होता है पाई बाई 4 यू का स्क्वायर, पाई 3.14/4, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% डिवाइड बाई 100 0.5, 0.196 यानी 0.2 जो टाइम फैक्टर की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इक्विपमेंट की बात हो रही है किस सॉइल में सुइटेबल और किस प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। सबसे पहले रैमर या टेम्पर्स की बात करें तो हर तरह की सॉइल में यूज़ कर सकते हो, बट ये फाउंडेशन या ट्रेंचेस में ही यूज़ होते हैं जहाँ पे बाकी मशीनरी नहीं पहुँच सकती। स्मूथ व्हील रोलर कौन से होते हैं, जिसमें जो व्हील होते हैं ना वो लोहे वाले होते हैं, तो ये क्रस्ट रॉक या ग्रेवल या सैंड के लिए इस्तेमाल होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर जो रबड़ वाले होते हैं हमारे, ठीक है, ये सैंड ग्रेवल सिल्टी क्ले के लिए बेस सब बेस और एम्बैंकमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद शी फुट रोलर में क्या होता है, उसमें ऐसे प्रोजेक्शन जैसी बनी होती है जिसको शी फुट कहते हैं, द क्लेई सॉइल में इस्तेमाल होती है और कोर जो होती है अर्दन डैम के बनने के लिए तब इस्तेमाल होते हैं। तो वाइब्रेटरी रोलर सिर्फ सैंडी सॉइल में यूज होते हैं और कब, जब एम्बैंकमेंट तैयार किया जाता है ऑयल स्टोरेज टैंक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, वाइड इशू 0.5, अंडरगोज सेटलमेंट, नाउ इट्स फाइनल वाइड इशू 0.2, थिकनेस ऑफ सेटलमेंट प्लेट। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सॉइल की लेयर है जो 10 सेंटीमीटर है, शुरुआत में वाइड इशू इसमें 0.5 था, अब इसमें प्रेशर बढ़ने के बाद वाइड इशू हो जाता है 0.2, तो अब कितनी भी इसकी लेयर मतलब कितनी ये सेटल हुई है, तो ये सेटलमेंट वाली लेयर बताओ कितनी होगी। तो थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर कैसे निकलती है, ये होता है थिकनेस ओरिजिनल कितनी थी इनटू चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस इनिशियल वाइड रेशियो। ओरिजिनल थिकनेस 10 सेंटीमीटर थी, चेंज इन वाइड रेशियो 0.5 माइनस 0.2 तो 0.3, डिवाइड बाय 1 प्लस इनिशियल वाइड रेशियो 0.5, तो ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस कम हुई, यानी अब न्यूज़ जो थिकनेस है वो 8 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कंपैक्टेड सैंड। तो कंपैक्टेड सैंड के लिए जो लिमिट ऑफ पोरोसिटी है वो क्या होती है, देखो पोरोसिटी वेल ग्रेडेड वेल कंपैक्टेड सैंड या ग्रेवल के लिए 25-50% रेंज में होती है, तो कंपैक्शन में जो पोर स्पेस है उसको रिड्यूस किया जाता है 20-30%। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट और उसकी डिटरमिनेशन। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए, हाइड्रोमीटर टेस्ट में पार्टिकल साइज एनालिसिस किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कंपैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, वैन टेस्ट में शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की कैलकुलेट की जाती है। अब देखो जो वैन शेयर टेस्ट है ये इस्तेमाल होता है शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्लेई सॉइल का, मतलब ना तो ये रॉकी सॉइल में, ना तो ये सैंडी सॉइल में, या तो ग्रेवल में यूज़ होता है, वैन शेयर टेस्ट यूज़ होता है सिर्फ क्ले सॉइल में। तो यहाँ पे जो कोहिजन है वो कम होती है 25 किलो पास्कल से, मतलब सिर्फ उन क्लेज के लिए जिनमें कोहिजन 25 किलो पास्कल से कम होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ की। तो देखो जो शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं लेबॉरेटरी टेस्ट, वो चार तरह के होते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्राइक्सल शेयर टेस्ट, वैन शेयर टेस्ट। तो यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है यूज़ होता है कोहिजिव सॉइल के लिए, तो यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसका हाफ जो है वो ली जाती है शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की। ट्राइक्सल शेयर टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है, वैन शेयर टेस्ट हमने अभी पढ़ा कोहिजिव सॉइल के लिए इस्तेमाल होता है। और यही अगर बात करें हम कि शेयर स्ट्रेंथ सॉइल के लिए फील्ड में कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए प्लेट लोड टेस्ट आता है, लार्ज वैन शेयर टेस्ट होता है, ब्लॉक शेयर टेस्ट और लार्ज डायरेक्ट शेयर टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जो इक्वेशन है शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहिजन प्लस सिग्मा टैन फाई, ये किसने दी थी, कॉलम ने दी थी, इसने कहा था शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो कोहिजन इनटू सिग्मा टैन फाई के बराबर होते हैं। सिग्मा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोहिजन लेस सॉइल है यानी सैंड है तो सैंड में कोहिजन नहीं होती, अगर कोहिजन नहीं होगी तो जो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं एस इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाई। वही अगर हमारी प्योरली क्ले सॉइल होगी इसमें जो फाई होता है वो जीरो होता है, तो यानी शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सी हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ सी, तो यहाँ पे कोहिजन के बराबर ही शेयर स्ट्रेंथ होगी। वही जनरल सॉइल जिसमें सी भी हो थोड़ा बहुत ये भी हो, तो इसके लिए जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे इक्वेशन भी
ये बन जाती है s इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, ट्राइएक्सियल टेस्ट यूजुअली कैरी आउट किया जाता है अनकंसोलिडेटेड ड्रॉइंग टेस्ट पे, कंसोलिडेटेड ड्रॉइंग टेस्ट पे और ड्रॉइंग टेस्ट पे। मतलब ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमारी तीनों कंडीशन बनती हैं। इसके अलावा देखिए जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है दो स्टेजेस पे। फर्स्ट स्टेज इसको कंसोलिडेशन स्टेज किया जाता है, यहाँ पे ड्रेनेज अलाउड होती है। सेकंड स्टेज अनकंसोलिडेशन स्टेज होता है जहाँ पे डायल्यूटेड टेस्ट लगती है और ड्रेनेज अलाउड नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट है और सुइटेबिलिटी कंडीशन। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट मतलब इनिशियल स्टेज में कंसोलिडेट किया फिर ड्रेनेज अलाउड की, इस टेस्ट को किया जाता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या एम्बैंकमेंट की निकालने के लिए। कंसोलिडेटेड अनड्रेन, कंसोलिडेट किया बट अनड्रेन, तो सुइटेबिलिटी सडन लोड्स के लिए निकालने के लिए। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यानी यू टेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी या एम्बैंकमेंट की निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहिजनलेस सॉइल। तो याद रखिएगा कोफिशियंट एक्टिव अर्थ प्रेशर की क्या होती है, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। मतलब याद रख लीजिए सिंपली माइनस जो है ऊपर लगता है एक्टिव अर्थ प्रेशर के कोफिशियंट में। तो या तो दूसरा फॉर्मूला टैन स्क्वायर इंटू 45 डिग्री माइनस 5 बाई 2। तो पैसिव अर्थ प्रेशर 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई और यहाँ पे टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5.2। मतलब पैसिव की बात आ जाएगी तो प्लस पी से याद रख लीजिए, प्लस ऊपर दोनों में। अब देखो ये होता है क्या है, जैसे मान लो ये मेरी रिटेनिंग वॉल है, तो रिटेनिंग वॉल के पीछे जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो एक्टिव प्रेशर डालती है। तो अगर पैसिव प्रेशर डाले तो ये पैसिव प्रेशर तीन के कोफिशियंट होते हैं ये, और वहीं कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर रेस्ट पे क्या होता है, या तो 1 माइनस साइन फाई या तो वाई रेशियो, ये जो म्यू है अपॉन 1 माइनस म्यू के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द एग्जम्पशन मेड अबाउट बल्किंग बैक फिलिंग ऑफ वॉल इन द रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। तो जो रैंकाइन थ्योरी अर्थ प्रेशर की, यहाँ पे जो एग्जम्पशन थी कि जो बैक होती है वॉल की वर्टिकल और स्मूथ होनी चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन क्या थे रैंकाइन थ्योरी की, सबसे पहले रिटेन मटेरियल होमोजीनियस और कोहिजनलेस होना चाहिए, कोहिजनलेस मतलब सैंड होनी चाहिए। दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रिटेनिंग वॉल और रिटेन मटेरियल के बीच में नेगलेक्ट करना है। तीसरा जो फेल्यूर है रिटेन मटेरियल का वो एक प्लान के अबाउट होगा, उस प्लान को रप्चर प्लान कहा जाएगा, रैंकाइन थ्योरी में ये कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए गाइस, कह रहा है सेल प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है। देखो सेल प्रेशर इंक्रीज हुआ 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 0.26 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पोर वाटर प्रेशर 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में रीडिंग्स है। तो स्कैम्पटम्स पोर प्रेशर पैरामीटर क्या होगा, देखो पोर प्रेशर पैरामीटर जो है ना, स्कैम्पटम पोर प्रेशर पैरामीटर, ये होता है चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल प्रेशर ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा सेल प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है, पोर प्रेशर चेंज हुआ, वो क्या हुआ 0.15 से 0.07 यानी 0.15 बाद में आया और शुरू में कितना था 0.7 ये पोर वाटर प्रेशर, और सेल प्रेशर कितना था 0.26 बाद में और शुरू में कितना था 0.1। तो यहाँ से जो स्कैम्पटम पोर प्रेशर पैरामीटर 0.5 आता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इन ए रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही रो में हो, जैसे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, तो ऐसी फुटिंग को हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग ऐसी फुटिंग होती है जो सिंगल कॉलम के लोड को सपोर्ट करे, मतलब इस पर अगर हमारा सिंगल कॉलम हो तो उस फुटिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। इसके अलावा देखो कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है एक ऐसी फुटिंग जो दो कॉलम के लोड्स को कैरी करे, दो या दो से ज़्यादा कॉलम के लोड को कैरी करे। स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है, देखो दो फुटिंग्स हमारी कंबाइंड फुटिंग, एक ये है एक ये है, तो इनके बीच में अगर जो मिट्टी है उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी वीक है, तो यहाँ से हम इस एक बीम से कनेक्ट करते हैं, तो इस बीम को कहते हैं स्ट्रैप और इसी फुटिंग को स्ट्रैप बीम कहते हैं। राफ्ट फुटिंग क्या होता है, एक ऐसी फुटिंग जिसमें 50% से ज़्यादा एरिया अगर हमारा कंक्रीट से ढक जाए, तो पूरे नीचे हम एक मैट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो पिलर हैं वो निकलते हैं, तो इस फुटिंग को कहते हैं हम राफ्ट फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल के निकालने के लिए जो रेकमेंडेड साइज होता है स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का, वो प्लेट फ्लो टेस्ट में कितना लिया जाता है। तो जो
स्क्वायर प्लेट है उसका जो डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक यूज़ करते हैं, और मिनिमम थिकनेस चाहे वो रेक्टेंगुलर है सर्कुलर है 25 mm होती है। प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट से बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की और सेटलमेंट फाउंडेशन की फील्ड में निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्री कॉस्ट पाइल जनरली यूज़ होती है सर्कुलर शेप में। 56 लाइम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है किन सॉइल्स में, प्लास्टिक क्लेई सॉइल्स में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी हार्ड रॉक्स की, फिर सॉफ्ट रॉक की, फिर कॉम्पैक्ट ग्रेवल की, फिर लूज ग्रेवल की। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यूजली कैलकुलेट की जाती है रैंकाइन फॉर्मूला से, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की डिवाइडेड बाई यूनिट वेट सॉइल के इंटू 1 - sin5/1 + sin5 का स्क्वायर, याद रखिएगा। और यहाँ पे फाइव क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रिजिड फुटिंग ओवर क्ले सॉइल, अगर रिजिड फुटिंग हम क्ले सॉइल के ऊपर बनाते हैं ऐसे देखिए, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर एजेस पे ज़्यादा होता है और सेंटर पे कम होता है। वहीं रिजिड फुटिंग अगर सैंडी सॉइल पे बनाएगा तो सेंटर पे जो है वो कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा होता है, एजेस पे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आज की वीडियो का, फादर ऑफ जियो टेक्निकल सॉइल मैकेनिक्स के फादर डॉक्टर कार्ल वैन तरजागी को बताया जाता है। तो गाइज ये टोटल 60 क्वेश्चन हमने किए, आई होप कि इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए, ध्यान से रिपीट कीजिए, इनके थोड़े बहुत नोट्स बना लीजिए, आपको बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगी।